यीशु का जो वचन आपने सुना है वह आपके लिए आशीर्वाद बन जाए। इस वीडियो को अपने संपर्कों में साझा करें। यीशु के वचन को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। यीशु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। सभाउपदेशक अध्याय 5। जब तुम परमेश्वर के मंदिर में जाते हो तब अपने आचरण का ध्यान रखो। मूर्ख द्वारा चढ़ाई गई बलि की अपेक्षा परमेश्वर के मंदिर में आना और उसका वचन सुनना श्रेष्ठ है, क्योंकि मूर्ख यह नहीं जानता है कि जो कार्य वह करता है वह दुष्कर्म है। अपने मुंह से कोई बात जल्दी मत निकालो और न उतावली में अपने हृदय की बात परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करो, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर। अत तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो। जैसे कार्य की अधिकता के कारण व्यक्ति स्वप्न देखता है, वैसे ही बहुत बकवास से मूर्ख की मूर्खता प्रकट होती है। जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत मानते हो तब उसको पूरा करने में विलंब मत करना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तुम मानते हो उसे पूरा करो। मन्नत मानकर उसे पूरा न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। तुम अपने मुंह से ऐसे शब्द न निकालो जो तुम्हें पाप में फंसाए। स्वर्गदूत के सम्मुख यह न कहो कि मुझसे भूल हो गई, अन्यथा परमेश्वर तुम्हारी आवाज सुनकर क्रुद्ध होगा और वह परिश्रम से किए गए तुम्हारे काम को नष्ट कर देगा। जब व्यक्ति अधिकाधिक स्वप्न देखने लगता है तब उसकी व्यर्थ बातें भी बढ़ जाती है। किंतु तुम परमेश्वर का भय मानना। यदि तुम किसी प्रदेश में गरीबों पर अत्याचार होते देखो, यदि तुम वहां न्याय और धर्म का गला घोंटा जाता हुआ देखो, तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि एक अधिकारी के ऊपर उससे बड़ा अधिकारी होता है और उससे भी ऊपर उच्च अधिकारी होता है। किंतु ऐसा होते हुए भी देश के लिए यह लाभदायक बात है कि देश की सेवा करने वाला एक राजा हो। पैसे से प्यार करने वाला पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होता, और न ही ऐसा व्यक्ति जिसे धन से प्रेम है उसके अधिकाधिक लाभ से संतुष्ट होता है। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तब उसको खाने वाले भी बढ़ते हैं, अतः उसके स्वामी को उससे क्या लाभ? सिर्फ यह कि वह उसे केवल आंखों से देखे। मजदूर के लिए वरदान है मीठी नींद, चाहे वह आधा पेट खाए चाहे पेट भर। किंतु धनवान का धन बढ़ने से उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर एक दुखद बुराई देखी। धन का स्वामी अपने अनिष्ट के लिए धन संग्रह करता है। यदि उसका धन सट्टेबाजी में उड़ जाता है और यदि उसके घर में पुत्र जन्म लेता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। जैसा वह अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ था वैसा ही नंगा लौट जाएगा। वह अपने हाथ में अपने परिश्रम का फल नहीं ले जा सकेगा। यह दुखद बुराई है। जैसा वह आया था ठीक वैसा ही यहाँ से लौट जाएगा। उसे अपने परिश्रम से क्या लाभ हुआ? उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। उसने अपना संपूर्ण जीवन अंधकार और दुख में, चिंता और रोग में, असंतोष में व्यतीत किया। देखो, जो भली बात मैंने अनुभव की और जो उचित भी है वह यह है, मनुष्य परमेश्वर द्वारा दिए गए अपने अल्पकाल के जीवन में सूर्य के नीचे धरती पर आनंद पूर्वक परिश्रम करे, खाए और पिए, क्योंकि यही उसकी नियति है। हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है तथा उसको भोगने का सामर्थ्य भी दिया है, वह अपनी नियति को स्वीकार करे और आनंद पूर्वक परिश्रम करे। यह परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर उसे उसके हृदय के उल्लास में ही डुबाए रखता है, इसलिए वह इस बात को बहुत याद नहीं कर पाएगा कि उसका जीवन थोड़े दिन का ही है। सभाउपदेशक अध्याय 6। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर एक और बुराई देखी जिसके भार से मनुष्य दबा रहता है।
वह बुराई यह है, परमेश्वर मनुष्य को धन संपत्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता है और मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, परंतु उस मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति भोगने का सामर्थ्य नहीं देता, बल्कि अनजान व्यक्ति उसकी धन संपत्ति भोगता है। अत धन संपत्ति निस्सार है, यह भयानक दुख की बात है। यदि किसी मनुष्य के 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं और वह लंबी उम्र तक जीवित रहता है, दीर्घ आयु प्राप्त करता है, पर यदि वह जीवन के सुखों को भोग न कर पाए, मरने पर अंतिम क्रिया भी उसे न प्राप्त हो, तो मैं यह कहूंगा ऐसे मनुष्य से अधूरे माह का जन्मा मृत बच्चा श्रेष्ठ है। मृत बच्चा इस धरती पर व्यर्थ ही आता है और अंधकार में लुप्त हो जाता है। अंधकार का पर्दा उसके नाम को ढक लेता है। वह सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सका और न उसे जीवन का कुछ अनुभव ही हुआ, फिर भी उसे उस दीर्घायु वाले मनुष्य से अधिक विश्राम मिला। चाहे मनुष्य 2000 वर्ष जिए, किंतु यदि वह जीवन का आनंद पूर्वक भोग नहीं करता तो ऐसी दीर्घायु से क्या लाभ। सब मनुष्य जीवन के अंत में एक ही स्थान को जाते हैं। मनुष्य अपने पेट के लिए ही सब परिश्रम करता है, तो भी उसका पेट कभी नहीं भरता। अत बुद्धिमान व्यक्ति किस बात में मूर्ख मनुष्य से श्रेष्ठ हुआ। गरीब मनुष्य जो यह जानता है कि जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, उससे किस बात में श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। आंखों से देख लेना मन की चंचल कामनाओं से उत्तम है। अत पेट के लिए परिश्रम करना भी निस्सार है, यह मानो हवा को पकड़ना है। जो कुछ भी मनुष्य हो, उसे उसका नाम आदि में ही दे दिया गया था। मनुष्य के विषय में यह प्रकट कर दिया गया था कि वह केवल मिट्टी है, अत वह अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से लड़ नहीं सकता। जीवन के विषय में जितना विचार करो, उतना ही वह निस्सार लगता है, तो ऐसे जीवन से मनुष्य को क्या लाभ। मनुष्य अपना क्षणिक जीवन परछाई के समान व्यतीत करता है, अत कौन जानता है कि उसके लिए ऐसे जीवन में उत्तम क्या है। मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात सूर्य के नीचे धरती पर क्या होगा।